नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिकन टाइम्स और इस जगह हम खड़ा है। ये मधेपुरा जिला के उदा किशुनगंज अनुमंडल मुख्यालय के मुख्य बाजार है। आप देखेंगे चारों ओर दुकान है, पूरी चहल कदम रहती है। सामने हम दिखाएंगे अपने सहयोगी से कि सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। सीसीटीवी कैमरा लगने के बावजूद भी चोर की हौसला उदा किशुनगंज अनुमंडल मुख्यालय में इतनी मजबूत है कि हम जिस जगह की बात कर रहे हैं, ये शटर काट कर यहाँ पर जेवरात की ये दुकान है और हमारे साथ जेवरात के जो दुकानदार थे वो मालिक भी हैं और इसी क्रम में लोजपा के जिला अध्यक्ष भी मिलने पहुँचे हैं उनसे, क्योंकि ये बड़ी छोटी चोरी नहीं कहा जा सकता, एक बड़ी चोरी का घटना को अंजाम दिया गया और अंजाम दिया गया था पीछे से। पीछे का जो है ताला तोड़ कर यहाँ आने के बाद इस शटर को काटा गया, उसके बाद यहाँ से सामान लेकर चोर रफू चक्कर हो गए। लेकिन पुलिस अभी तक पुलिस की हाथ खाली लगी हुई है। पहले हम दुकानदार मालिक से बात करेंगे, उनसे मिलने के लिए लोजपा जिला अध्यक्ष आए हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। क्या नाम हो सर आपका? सत्यनारायण पुद्दर। सत्यनारायण पुद्दर, ये बताइए कि आप लोग को कैसे पता चला कि हमारे दुकान में चोरी हो गई है? सुबह करीब 5:30 की लगभग लमसम में यहाँ के दुकानदार जो हैं वो लोग के पास चाबी रहते हैं, वही लोग आए, स्टाफ खोला, तब पता चला हम लोगों को। शटर खोलने के बाद, मेन गेट खोलने के बाद पता चला कि शटर टूटा हुआ है, तो उन्होंने फ़ोन किया तब हम यहाँ पहुँचे। अच्छा, सीसीटीवी फुटेज, सीसीटीवी तो आपकी दुकान में लगा हुआ होगा? अंदर लगा हुआ था लेकिन बाहर का सब चीज़ गायब था। सीसीटीवी में चोर का जो चोरी का वारदात कैद हुआ? अब हुआ है या तो पदाधिकारी ही बताए? नहीं, फुटेज को अभी तक नहीं देखे। नहीं, फुटेज जो पदाधिकारी है वो यहाँ से उठा के दुकान के अंदर गए, तो आपको कैसे पता चला कि कितनी की चोरी हुई आपकी दुकान के अंदर? पता चला लमसम 5 से 6 लाख के आस पास। 5 से 6 लाख की चोरी हुई। थाना में आपने आवेदन दिया? हाँ, आवेदन दिए। पुलिस की क्या कहना? पुलिस कह रहे हैं कि हम जल्द गिरफ्तार करेंगे, इस पर अनुसंधान कर रहे हैं, जल्द जो है वो गिरोह का पर्दाफाश होगा। क्या क्या चोरी हुई आपकी दुकान? जेवरात था, सोने चांदी का। हाँ, बना नहीं, केस उस नहीं था। हमारे साथ लोजपा के जिला अध्यक्ष जी आए हुए हैं, पीड़ित परिवार से मिलने के लिए उनसे बातचीत करते। क्या नाम है सर आपका? जी, मेरा नाम दिनेश कुमार पासवान, लोजपा रामलीला जिला अध्यक्ष मधेपुरा। अचानक यहाँ पहुँचे आप? अचानक नहीं, यहाँ पर मेरा एक जिला प्रधान महासचिव है जो उदा किशुनगंज अनुमंडल अंतर्गत उनका घर है, चंदन कुमार सिंह जी हैं। इनके द्वारा हमको पता चला कि एक अपने ही मित्र के दुकान में चोरी हुई है, जो कि आप बीजेपी के मंडल अध्यक्ष भी हैं, और मैं कहना चाहूँगा कि वर्तमान सरकार में ये गठबंधन, ऐसा मान लीजिए सर कि जब आम लोग के घर में चोरी होता था, अब तो किसी नेता के घर में सुरक्षित नहीं, नेता के घर सुरक्षित नहीं है, दुकान सुरक्षित नहीं। जी जी जी, बिल्कुल, मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो सरकार है वर्तमान में, गठबंधन की सरकार, लठबंधन की सरकार, जब से सरकार बनी है आए दिन लूट, हत्या, बलात्कार, चोरी। आप देखते होंगे, आप अगर खबर चलाते हैं, आप मीडिया से हैं, प्रेस से हैं, तो ऐसा कोई दिन खाली है कि मधेपुरा जिला के किसी भी कोने कस्बे में कोई दिन वारदात नहीं हो? ये सरासर वर्तमान सरकार में ये प्रशासन की लापरवाही है। अगर दुकान में चोरी हुई है 6 से 7 लाख के, अगर पुलिस गश्ती में थी कि नहीं था, ये अफसर इंचार्ज को सोचना चाहिए। अगर गश्ती के क्रम में, अगर मार्केट में गश्ती होती, चौक चौराहे पे चौकीदार की नियुक्ति होती, या उनका चारों तरफ से गश्ती होता, तो ऐसा घटना नहीं घटता। सिर्फ जो प्रशासन है अपना फॉर्मेलिटी निभाते हैं कि हम अपना प्रशासनिक तौर पे जो हैं हम काम कर रहे हैं, अगर प्रशासन चौकस रहता तो ये घटना नहीं होता। और अभी मान के चलिए 24 घंटा बीतने को चला है, प्रशासन अभी तक किसी को अरेस्ट नहीं किया, कहीं पे छानबीन नहीं किया, ये तो प्रशासन की लापरवाही है। बड़ी लूट हुई है। अगर प्रशासन के हाथ कुछ नहीं लगता, तो ये प्रशासन को एक चुनौती है, क्राइमर के द्वारा, चोरों के द्वारा एक चुनौती दिया जा रहा है, लेकिन प्रशासन को इस पर एक्शन लेना चाहिए और पीड़ित परिवार के आवेदन पर तुरंत क्विकली FIR करके उनका जांच करें और जल्द से जल्द उनकी गिरफ्तारी होना चाहिए।